नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है, उसे दबाएं, फिर बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उसे भी दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो 31 जनवरी 2018 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण 6 राशियों पर अपना पूर्ण प्रभाव दिखाई देगा। तो 12 राशियों में 6 वे मुख्य राशियां हैं जिन पर चंद्र ग्रहण अपना पूर्ण असर दिखाई देगा। वैसे मित्रों, चंद्र ग्रहण के पश्चात ग्रहों की चाल बदलने लगती है। मित्रों, 31 जनवरी को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई पड़ेगा, इसका असर राशियों पर भी पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण के पश्चात ग्रहों की दिशा और चाल भी बदल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल के पहले चंद्र ग्रहण का गहरा असर होगा। ये ग्रहण 6 राशियों पर ऐसा असर डालेगा कि उनकी किस्मत बदल जाएगी और ग्रहण के अगले दिन से ही उसका प्रभाव इन 6 राशियों पर दिखाई देने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 6 राशियों पर ग्रहण का असर पूर्ण फलदायक होगा। इन 6 राशि वाले लोगों की सारी मुश्किलें, सारे संकट ग्रहण के पश्चात दूर होने लगेंगे। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 6 राशियां हैं जिन पर चंद्र ग्रहण का पूर्ण असर दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण काफी फलदायक है। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों लोगों की दिशा और दशा भी बदल जाएगी। उनकी मुश्किलें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना काफी अच्छा साबित होगा। इसके पश्चात भी उनका समय काफी अच्छा रहेगा। नौकरी में लगे हुए लोग, प्रमोशन की संभावनाएं उनकी बनेंगी। नए काम की शुरुआत होगी, नए आय के स्रोत स्थापित होंगे और इस राशि वाले जातकों को लाभ मिलने के पूर्ण संकेत बन रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिलने की संभावनाएं हैं। अचानक धन लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। और अगली राशि धनु। इस चंद्र ग्रहण का असर धनु राशि वाले लोगों के लिए विशेष फलदायक रहेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। वहीं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके बॉस, उनके अधिकारी उनसे प्रसन्न होंगे, उनके कार्य से संतुष्ट रहेंगे और धनु राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ मधुरतम पल व्यतीत होंगे। आय में वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं। आय के स्रोत बढ़ने के योग बन रहे हैं। परिवार का सुख व सहयोग आपको मिलता रहेगा। मन आपका शांत रहेगा और आर्थिक वृद्धि आपकी बढ़ती रहेगी। अगली राशि कन्या। कन्या राशि वालों के लिए प्रशिक्षित कार्य के पूर्ण होने से मन आपका प्रसन्न चित्त रहेगा। किसी कारणवश धन की प्राप्ति होने के प्रबल योग आपके बन रहे हैं। समय का आप प्रबंधन अवश्य करें, यानी हर कार्य को समय पर करें तो आपको काफी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। और तुला राशि के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का तुला राशि वाले लोगों पर भी पूर्ण असर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के कारण तुला राशि वाले लोगों की ग्रह दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। चंद्र ग्रहण के पश्चात तुला राशि वाले लोगों के घर में सुख शांति का वास होने लगेगा। वहीं आपके व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन तुला राशि वाले लोगों को सावधान रहने की अति आवश्यकता है। पारिवारिक क्लेश के कारण मन आपका व्यथित हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय आपका अधिक हो सकता है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। वैसे आपके आय के एक से अधिक स्रोत होने की संभावनाएं बन रही हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ फलदायी है। इस ग्रहण के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। नई योजनाओं पर काम कर रहे लोगों को कामयाबी मिलेगी। वहीं जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, उन्हें अपना पैसा मिलने की संभावनाएं पूर्ण बन रही हैं। और इस राशि वाले लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, अन्यथा आपके कई कार्य बिगड़ भी सकते हैं। वैसे आपके आय के स्रोत प्रबल ही होंगे। और मीन राशि के अनुसार
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह पड़ने वाला जो चंद्र ग्रहण है मीन राशि वाले लोगों के लिए पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। चंद्र ग्रहण के पश्चात आने वाला आपका महीना इस राशि वालों के लिए किस्मत चमकाने वाला रहेगा और मीन राशि वाले लोगों के अधूरे कार्य भी पूर्ण होंगे। वहीं व्यापार और नौकरी में उन्नति भी प्राप्त होगी, रुके हुए आपके काम पूरे हो जाएंगे। वहीं मीन राशि वाले लोगों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता रहेगा, कुछ लोगों के गुप्त कार्य भी सिद्ध होंगे और मनोवांछित कामनाएं भी आपकी पूरी होने लगेंगी। तो मित्रों, यह थी चंद्र ग्रहण के प्रभाव की 6 राशियों पर सरलतम जानकारी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।